अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आप सोचते होंगे कि नादिया अभी कहाँ चली जाती हैं, दो दो दिन की छुट्टी कर लेती हैं। तो मैं थोड़ी सी बिज़ी थी, मैं इसी व्लॉग में बताऊंगी क्यों बिज़ी थी। तो फ़िलहाल तो मैं आपको बाहर का एरिया दिखा रही हूँ, यहाँ पे ग्रीन ग्रास जो है वो बिछी होती थी, आपको याद होगा। लेकिन अब ये जो है ना, बाहर का सारा सेटअप जो है ना काफ़ी मैसी हो रहा है, काफ़ी ख़राब हो रहा है। तो फ़िलहाल इसको तो वॉश करके इधर मैंने रख दिया था, और ये माशाल्लाह से अभी भी बहुत अच्छी फ्रेश है, कोई भी इसको मसला नहीं हुआ है। बस इसको मैं फ़ोल्ड करके ऊपर रख दूँगी, तो जब मुझे इस तरह की कोई सेटिंग का मेरा दिल करेगा तो फिर मैं चेंज कर लूँगी। फ़िलहाल मैं कुछ और सेटअप इसका करूँगी और देखूँगी कि क्या करूँ, अभी तो कुछ भी माइंड में नहीं है। तो जी ये एक्चुअली 2-3 दिन के क्लिप्स हैं जो कि मैं मिला के और आपके लिए व्लॉग मतलब आपके लिए बना के मैं डाल रही हूँ यूट्यूब पर। तो यहाँ पे मैं बना रही थी शाम में आलू वाले पकोड़े। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू वाले पकोड़े, मतलब आलू के साथ, बेसन के साथ जो पकोड़े बनते हैं, आलू के जो स्लाइस काट के, वो वाले बड़े मज़े के लगते हैं। तो शाम में कभी कभी दिल करता है, कभी सालन रोटी को नहीं दिल करता, तो हम ये बना लेते हैं। आज मैंने खाना तो बनाया था लेकिन बिल्कुल भी खाने को दिल नहीं था, तो सालन तो पड़ा ही हुआ है तो वो नहीं हमने खाया। तो आज हमने सोचा कि चलो शाम की चाय के साथ हम लोग ये बना लेते हैं। तो सर्दियों में ना ये वैसे बड़े मज़े होते हैं कि इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन वेट भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो खा लेना चाहिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा ना खाएं, थोड़ा बहुत खा लें। तो बस यहाँ पे मैं घोल बना रही हूँ बेसन का, जिसमें मैंने कसूरी मेथी डाली है, नमक मिर्च हल्दी डाली है, थोड़ा सा मैंने सोडा सबसे पहले डाला था। तो बस इसका मिक्स करके इसका घोल सा बना लूँगी। और अच्छा, जो मुझे इस दौरान जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो मुझे आए हैं वो आए हैं मेरी क्रॉकरी के बारे में। तो क्रॉकरी का मेरा कोई एक फ़िक्स जगह नहीं है, मैं कहाँ से लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि क्रॉकरी ऐसी चीज़ है, आप जहाँ भी जिस जगह भी चले जाएँ, क्रॉकरी की जिस भी जगह पे चले जाएँ, आपको अपने मतलब की कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई टोल मिल जाता है। तो मुझे एक तो शौक़ भी है जो कि हर औरत का शौक़ होता है, और दूसरी बात यह है कि मेरा चैनल भी है। और आपको पता है कि चैनल में प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप नॉर्मल भले एक कढ़ाई आप 10-10 साल 15-15 साल चला लें, आपको कोई नहीं पूछेगा कि ये कढ़ाई इतनी पुरानी हो गई, लेकिन अगर वही कढ़ाई मैं बार बार अपने YouTube वीडियो में डालूंगी और वो ख़राब सी कढ़ाई होगी तो फिर मुझे कमेंट आना शुरू हो जाते हैं, बुरी लगती है वो देखने में। तो इस वजह से मुझे अपनी चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा में लेती हूँ, और जाहिर सी बात है जब आप अर्न करते हैं तो फिर आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ अर्न ही करते रहें और आप कुछ भी इन्वेस्ट ना करें, कुछ भी इस तरह का ना कुछ नया लें, तो मुझे लेना पड़ता है। तो ना ही ये कोई शो ऑफ है, ना ही ये कोई आपको दिखाने के लिए है। मैंने तो इसलिए प्राइसेस भी किसी चीज़ की नहीं बताई थी कि फिर आप कहते हैं कि नहीं शो ऑफ करती है, क्योंकि मुझे शो ऑफ की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ों की शक्ल ही बता देती है कि इनकी कीमत क्या है। तो मैं फिर इस तरह की चीज़ें जो है ना वो लेती रहती हूँ, वैसे भी मैं लेती रहती थी लेकिन अब थोड़ा मैं ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि आपका जिस तरफ रुझान होता है, जिस तरफ शौक़ होता है, आप उस तरफ ज़्यादा फिर तवज्जो देते हैं। तो मेरी कोई फिक्स जगह नहीं, आपको जहाँ कोई चीज़ अच्छी लगे आप ले लें, लेकिन एक मशवरा दूंगी कि जब भी कोई चीज़ लें, अच्छी चीज़ लें, उसकी थोड़ी सी लुक अच्छी हो, आपको सालों साल चले, ये नहीं कि कुछ दिन चले और ख़राब हो जाए, टूट जाए। तो अच्छी चीज़ लें ताकि प्रेजेंट करने में भी मज़ा आए और आपको यूज़ करने में भी मज़ा आए। यहाँ पे जी यहाँ पे मैंने मिर्चों में चाट मसाला भर लिया था और उनको भी मैं फ्राई कर ली हूँ, कर रही हूँ, और साथ में रोटी भी बना रही हूँ। मैंने कहा चलो मिर्चों के साथ आज हम रोटी खा लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं तैयार श्यार होके कहाँ जा रही हूँ, तो आपको याद होगा कि मैंने जब अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की थी तो उसमें मैं कहीं भी नहीं गई थी,
और मेरे हस्बैंड पे मैंने कहा था कि आपके आप पर मेरा डिनर ड्यू है लेकिन मैं अभी नहीं जाऊंगी। मेरा उस दिन मूड नहीं था क्योंकि मैं उन दिनों बहुत ज़्यादा जा रही थी, बाहर का खाना बहुत खा रही थी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं आपको बताऊंगी जब मेरा मूड होगा। तो इस वीकेंड पे मेरा बहुत दिल था तो मैंने कहा चलें हाई टी पे इस वीकेंड पे चलते हैं इंशाल्लाह। तो बस मैं तैयार हो गई थी और हम लोग वहीं जा रहे थे। और ये जो सूट है ये मैंने जनरेशन से लिया था, इसका इनर भी है और अपर भी है, मतलब ये फोर पीस है, दुपट्टा है, अपर है और अंदर का प्लेन वाला जो है विदाउट स्लीव्स है अंदर वाला, और बाहर वाला विद स्लीव्स है। तो ये कॉटन में है, गर्मियों में मैंने लिया था लेकिन मैं ज़्यादा पहन नहीं पाई क्योंकि डबल था। तो मैंने अब आजकल अच्छी मौसम है तो मैंने कहा चलो अब पहन लेती हूँ। और इसका कलर बड़ा प्यारा है, टीपिंग सा कलर है, बड़ा खूबसूरत सा। और ये मैंने नया भी निकाला है, नीचे चीज़ें ढूंढ रही थी तो इतनी बिजी हो जाती हूँ, चीज़ें ले आती हूँ और बाद में मुझे याद ही नहीं रहता मैंने क्या क्या लिया। तो अभी ये आई लैशेस कर्लर जो है वो निकला था तो मैंने कहा चलो इसको यूज़ करके देखती हूँ कैसा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बस हम थोड़ी देर तक फिर चले जाएंगे। अच्छा जी, हम यम पे आ गए हैं और आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग यहाँ पे बहुत आते हैं। एक तो यहाँ का खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है, वैरायटी बहुत अच्छी है। हाइटी का अगर मुल्तान में देखा जाए तो ये जगह बहुत अच्छी बेस्ट जगह है। बाकी हाइटी का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, एक दो जगह पे है लेकिन मैंने उनकी अच्छी सुनी नहीं, तारीफ़ें नहीं सुनी है, लेकिन यहाँ का बहुत अच्छा है। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा सेंस है इन चीज़ों की और वो जो रेकमेंड कर देते हैं बस मैं कहती हूँ वो तो अच्छी होगी, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा खाना वैसे इतना कम इतना नहीं खाते, कम खाते हैं लेकिन ये कि क्वालिटी का खाना खाते हैं। तो बस हम यहाँ पे चाय वाय हमने मंगा ली थी और तो यहाँ पे सारी मैंने आपको वैरायटी दिखा दी है। चाइनीज़ बहुत अच्छा है यहाँ पे, पास्ता पिज़्ज़ा वगैरह मतलब हर चीज़ अच्छी है, मीठे भी बहुत अच्छे पड़े हैं। तो आजकल मैं कहाँ बिज़ी हूँ जी, आजकल मैं बिज़ी हूँ अम्मी के साथ, क्योंकि अम्मी का थोड़ा सा गायनी का इशू चल रहा है जो आपको पता है कि अब मैं क्या बताऊँ किस एज में जो हो जाता है इशू। तो उस सिलसिले में फिर हम लोग हॉस्पिटल्स जा रहे हैं तो उस वजह से मैं रेगुलर नहीं हो पा रही। और आप बस अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला सबकी माँओं को अपने सामान में रखे क्योंकि इन्हीं के दम से ही रौनक है। बुज़ुर्ग घर में बहुत अल्लाह ताला की रहमत होते हैं तो अल्लाह पाक हर किसी की माँ को सेहत दे, तंदरुस्ती दे। तो बस अम्मी के थोड़े से चेकअप करवाने थे, फिर इंशाल्लाह आगे इनका खैर से ऑपरेट होगा। तो बस उसी सिलसिले में फिर शाजी और मैं आजकल इधर ही बिज़ी हुई हूँ मैं। तो बस यहीं तक ब्लॉग था, मैंने कहा आपसे मुलाकात हो जाए, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। आप अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।